टू डिजाइन ए टॉर्च विच क्रिएट्स डार्कनेस इंस्टेंट ब्राइट लाइट, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक टॉर्च बना सकते हैं जो डार्कनेस क्रिएट कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक नदीम, यू आर वाचिंग लेट्स नो फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एक्चुअली डार्कनेस, इज इट पॉसिबल फॉर वी पीपल टू डिजाइन ए टॉर्च विच क्रिएट्स डार्कनेस, क्या ऐसा मुमकिन है हम एक टॉर्च बना सकते हैं जो डार्कनेस क्रिएट कर सके एक ब्राइट एनवायरमेंट में। Now, first of all, we must understand what is actually darkness. हमें पहले ये समझना है कि ये जो darkness है ये क्या है actually. In short, we can say that darkness is actually absence of light, absence of visible light. अगर हम एक electromagnetic spectrum की बात करेंगे, we know our electromagnetic spectrum contains various types of electromagnetic radiations. ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इट रेंजेस बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। नाउ लाइक दिस इज आवर विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर एंड दिस स्पेक्ट्रम कंटेन्स ऑल दीज विजिबल लाइट्स, what we call visible spectrum. Now, instead of this visible spectrum, the rest of the spectrum without this visible spectrum, the rest of the spectrum is also there. They also contain these electromagnetic radiations. वहाँ पे जो हमारी electromagnetic radiations है, वो भी exist करते हैं। तो वो किस एक्चुअली किस कलर में एग्जिस्ट करते हैं। या अनदर थिंग इज दैट आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो डार्कनेस में भी देख सकते हैं। इफ वी सी दिस इन ए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो हमें क्या करना है, एज वी नो जो हमारा रेटिना होता है, वहाँ पे कुछ रॉड एंड कून सेल्स होते हैं। These rod and cone cells are actually to trace the light. वो वहाँ से light trace करते हैं और वहाँ पे उन्हीं light से वो कुछ information हासिल करते हैं और वहाँ पे वो send करते हैं different parts of our brain. तो क्या होता है कि in case of darkness, in case of this dark room या darkness, dark environment, it's actually there is no light. And there is no reflection at all. What happens is actually that तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ से actually कुछ MPT, ये जो हमारा actually these rod and cone cells at that time they face some emptiness. तो वहाँ से क्या करते हैं वो, फिर वहाँ से information एक black list send करते हैं different parts of our brain. तो हमारा brain जो होता है वो उसको interpret करता है as a null and empty. तो वही null and empty जो वहाँ से जो हमारा brain उसको समझता है, that is actually darkness. Now another thing is that अगर हम दूसरी तरीके से इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, तो आपने देखा होगा कि जो actually darkness है it is actually also a color. This dark is also a color. Now if dark is also a color, then what is actually darkness? You probably darkness color नहीं है, तो हमारा जो brain है ये कैसे इसको interpret करता है कि actually वहाँ पे जो है वहाँ पे darkness है, या वहाँ पे this brain feels some black environment, some dark environment. जैसे कि ये बहुत सारे colors को interpret करता है जो हमारे rod cells cone cells होते हैं, वैसे फिर ये कैसे इसको भी interpret करता है। This actually shows us that there is in front of अगर हम अपने इस brain की बात करेंगे तो वो उसको भी एक एक तरीके का एक color treat करता है, क्योंकि in order to differentiate this bright light and darkness, this point
जिस पर मैंने ये थंबनेल बनाया था कि एक्चुअली इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ टॉर्च विच क्रिएट्स डार्कनेस इंस्टेड ब्राइट लाइट. फॉर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, सपोज करो कि हमारे पास एक बैटरी है. दिस इज एंड सपोज करो फॉर अ मिनट, सपोज जस्ट सपोज ये जो बैटरी है इसका जो एनवायरमेंट है इट इज ब्राइटनेस, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हम इसके बीच में एक स्पॉट क्रिएट करें, दैट इज डार्क स्पॉट. इज दिस पॉसिबल? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था कि एक डार्कनेस तब ही मुमकिन है जब वहां पे ब्राइट लाइट मुमकिन नहीं है, जब वहां पे हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास फोटॉन्स नहीं है. दैट इज एक्चुअली वहां से क्या होता है कि वहां से जन्म फिर लेती है क्या, दैट इज डार्कनेस. These two are against each other. These two always war with each other. These two always against each other. तो क्या होता है कि suppose करो कि यहाँ पे हमें हमारे पास एक bright environment है और इसके बीच में हम एक darkness create कर सकें. Is this possible? No. Because वहाँ से जो environment है it's obvious that कि there is some reflections created by this environment and these reflections also include this dark spot. So wahan se kya hoga, as this is against this dark light, darkness, bright light is always against this darkness and darkness is always against this brightness, but always wins bright light. तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये ब्राइटनेस हमारी है तो ये इस पर भी बारी पड़ेगी और इसको भी अपने ख़त्म करेगी और वहाँ से भी क्या इसको इसमें रोशनी वहाँ से क्रिएट करेगी. तो इट इज़ फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव दैट दिस डार्कनेस इज एक्चुअली अपोज टू द ब्राइटनेस. And these always against each other. जहाँ पे हमारे पास darkness होती मौजूद होती है तो वहाँ पे हमें brightness नहीं दिखाई पड़ेगी, और जहाँ पे brightness है और वहाँ पे हमें darkness नहीं दिखाई पड़ेगी. Then how is this possible in between? How is this possible? तो ये कैसे मुमकिन है कि एक environment जहाँ पे brightness है वहाँ से बीच में हम वहाँ से एक darkness create कर सकते? This is impossible. This was all about this darkness. And thank you for watching. Thank you so much.